अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि हमारी वीडियो कंप्रेस कर देता है। अगर हम लोगों ने यूट्यूब पर अपलोड करनी है, कहीं भी अपलोड करनी है, तो जो कि हमारे पास 500 एमबी की होगी तो हम लोग उसको कंप्रेस कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, हैंड ब्रेक जिसका नेम है, तो यहाँ पर हम लोग कोई भी फाइल ड्रॉप करके देखते हैं। जैसा कि मैं यहाँ फाइल ड्रॉप कर चुका हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, ये इनको हम लोगों ने सेट करना है। तो यहाँ पर हम लोग जो फॉर्मेट देखेंगे, हमारे पास यूज़ हो रहा है MP4 है, तो जो हम लोगों ने चेंजिंग करनी है वो इस सेक्शन में करनी है। और यहाँ पर हम लोग देख लें पहले, तो फॉर्मेट हमारे पास MP4 है जो कि हम लोग MP4 ही रखेंगे, और आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी हो जाती है। और अगर हम लोग यहाँ पर जाएँ तो सबसे पहले हमने वेब ऑप्टिमाइज कर लेनी है वीडियो, और किसी चीज़ को छेड़ना नहीं। और डायमेंशन में चले जाएँ तो यहाँ पर आप रेजोल्यूशन जो उसकी सेट कर सकते हैं, आपको कितनी विड्थ और हाइट चाहिए, तो ये हमारी सेट है। और हम लोग फिल्टर्स में चले जाते हैं, फिल्टर भी हमें ज़रूरत नहीं। और वीडियो में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ जो रेट चल रहा है वो 30 फ्रेम पर सेकंड है, और जो मैंने वीडियो बनाई है तो मुझे पता है 25 फ्रेम पर सेकंड हमने बनाई है, तो यहाँ पर मैं 25 कर दूंगा। और यहाँ पर हम लोग कॉन्स्टेंट फ्रेम रेट कर देंगे, तो इसका कॉन्स्टेंट फ्रेम रेट करने का हमें फ़ायदा ये होगा। तो इस कॉन्स्टेंट फ्रेम रेट करने का हमें ये फ़ायदा होगा, जो हमारी ये वीडियो की क्वालिटी है वो हमें एक ही फ्रेम रेट पे मिलेगी, यानी कि कॉन्स्टेंट में। अगर यहाँ पर हम लोग देख लें, मैनुअली करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी नॉर्मल चल रही है वो 22-23 होती है, तो इसमें हम लोग 22 कर लेते हैं। और यहाँ पर ऑडियो में चलते हैं, तो ऑडियो में अगर आप कुछ सेटिंग करना चाहते हैं, ACC बिल्कुल ठीक है हमारा, तो अगर सबटाइटल में देख लें तो सबटाइटल में भी हमें छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और एट दी एंड हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर नीचे ऑप्शन होगा कि हम लोगों ने ये फाइल कहाँ सेव करनी है, तो यहाँ पर मैं जाके ब्राउज़ करके जो जहाँ पर भी मैं सेव करना चाहता हूँ उस फोल्डर में, स्पेसिफिक फोल्डर में, तो मैं यहीं सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर स्टार्ट इनकोडिंग कर लेते हैं हम लोग, तो ये नीचे स्टार्ट हो चुकी है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हम लोग के पास कुछ टाइम लेगी। और अगर हम लोग देख रहे हैं ये जो हमारा जो पूरा एक हमने सेटिंग की है, इसको अगर हम लोग प्रीसेट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा ऐड का, तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर नेम लिख लेंगे HD। तो इसको हम लोग सेव कर लेंगे, यहाँ पर ही ऐड कर लिया हमने, जैसा कि ये हमारे पास सेव हो चुका है। और यहाँ पर कस्टम प्रीसेट्स में देखें जाएगा तो ये हमारे पास सेव हो चुका है। और अगर हम लोग कोई दूसरी वीडियो अपलोड करें और यहाँ पर ड्रॉप करें, तो यहाँ पर हमने सिंपली इसको क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग अप्लाई हो जाएगी, तो हमें बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको सेट करने की। यहाँ पर हम लोग ये वीडियो की अगर प्रॉपर्टीज़ देख लें, तो इसकी कितनी हम लोग पास MB है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये 190 MB स्पेस है इसकी। तो अगर हम लोग इस वीडियो का साइज़ देख लें तो इसका 190, आफ्टर कॉम्प्रेस इसको देखेंगे कितना हम लोग का डिक्रीज़ हुआ है। जैसा कि हम लोग यहाँ देख लें, ये हम लोग की फिनिश हो चुकी है, और हम लोग अब फोल्डर में स्पेसिफिक इसके जहाँ हमने सेव की थी वहाँ जाके देख लेते हैं। जैसा कि हमारे पास ये कंप्रेस फाइल सेव हो चुकी है, और यहाँ पर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका साइज़ देख लेते हैं, तो यहाँ पर इसका साइज़ सिर्फ 33 MB हो चुका है, जो कि हमारे पास 190 MB था। तो इसको देख लेते हैं, प्ले करके देख लेते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास क्वालिटी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और क्वालिटी हमारी वैसी की वैसी है, बिल्कुल HD क्वालिटी में, और हमारी फाइल कंप्रेस हो चुकी है। इसको क्लोज़ कर लेते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक और कमेंट कर दें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें।